हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज और स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल साथ में। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में देखने वाले हो कि मीटर के पास मेन स्विच कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, मेन स्विच कनेक्शन कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका जो एलटी लाइन होगा, एलटी लाइन जो एलटी का खंभा होगा, वहाँ से इस सर्विस वायर के जरिए करंट आया होगा मीटर तक। इस सर्विस वायर के जरिए 4 mA हो या 6 mA के सर्विस वायर के जरिए आपका मीटर तक लाइन आया होगा। इस तरह देखें, इस वायर में, वायर के अंदर ही दो वायर है, दो लाइन है इसमें, एक फेज और एक न्यूट्रल, इस तरह कलर का आता है। तो चलिए इसको अब कनेक्शन करके देखते हैं। एलटी लाइन से जो लाइन आया होगा, हमारा ये जो मीटर है, मीटर के लेफ्ट साइड में करंट इनपुट होगा और राइट साइड से करंट आउटपुट होगा, घर को लाइन जाएगा, सप्लाई जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल लाइन है, यहाँ पे पहले हम कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा फेज लेफ्ट साइड में लगेगा, इनपुट होगा करंट और राइट साइड से करंट आउटपुट होगा राइट साइड से। ये दो जो टर्मिनल है, पॉइंट है, ये इनपुट के लिए है और ये दो जो है ये आपका आउटपुट के लिए है। यहाँ पे करंट इनपुट होगा और यहाँ पे करंट आपका आउटपुट होगा। लेकिन देखिए देखो दोस्तों, यहाँ पे फेज लगेगा और यहाँ पे न्यूट्रल इनपुट होगा और यहाँ पे न्यूट्रल इनपुट होगा और यहाँ पे न्यूट्रल आउटपुट होगा और यहाँ पे आपका जो फेज है आउटपुट होगा। तो चलिए इसको कनेक्शन करके देखते हैं। ये जो है, ये हमारा खंभा से आया हुआ हुआ एलटी लाइन से आया हुआ सर्विस जो वायर है, वो उसका फेज यहाँ पे लगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इसका न्यूट्रल इनपुट होगा। फिलहाल यहाँ इसमें अभी करंट नहीं है, आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। देखिए, इसके बाद हम आपको करंट सप्लाई देकर दिखा दूँगा ये कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, स्किप मत कीजिए, वरना आपको समझने में दिक्कत होगी। अगर कभी समझ नहीं पा रहे हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही साथ अगर दूसरे कुछ वीडियो के ऊपर जानना भी चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। फिलहाल देखिए, यहाँ पे एलटी लाइन से आया हुआ जो वायर है, यहाँ पे फेज न्यूट्रल करंट हो गया और यहाँ पे हमारा करंट आउटपुट होगा, घर को सप्लाई जाएगा। इस तरह यहाँ पे लेफ्ट लगा, लेफ्ट साइड में ये वाला वायर आपका फेज है और ये वाला आपका न्यूट्रल है, यहाँ से करंट आउट होगा। देखिए, ये हमारा मेन स्विच है। मेन स्विच के अंदर देखिए, ये जो कटर है 32 एम्पीयर के, आपके घर के लोड को देख के, आपके घर के लोड के मुताबिक आपको मेन स्विच लगाना है। ध्यान रखिए दोस्तों, पिट कट के अंदर जो फ्यूज चला गया है, आपको देख के डालना है, जितना पतले वाला वायर डालोगे उतना अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये फ्यूज़ कटना ज़रूरी है, फ्यूज़ उड़ना ज़रूरी है, वरना अगर आप मोटे वाला वायर में इसको डाल देंगे तो ये शॉर्ट सर्किट होने के बाद ये फ्यूज़ कटेगा नहीं। ये पहले दोस्तों, यहाँ पे मैं वायर को यहाँ पे लगा दिया हूँ, इसको चलिए यहाँ पे मीटर पे कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पे लेकिन यहाँ पे जो ये बीच वाला हमारा न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है इनपुट है और यहाँ पे न्यूट्रल आउटपुट हुआ है। यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे फेज इनपुट हुआ है और यहाँ पे फेज आउटपुट हुआ है। तो चलिए इसको कनेक्शन करके देखते हैं। पहले मैं इस न्यूट्रल वायर को कनेक्शन करूँगा। ये बीच वाला जो दो टर्मिनल न्यूट्रल है, और ये हमारा फेज है, फेज यहाँ पे आउटपुट हुआ है। ये पहले आपका अगर घर में आपका मेन स्विच है, मेन स्विच से कनेक्शन तो हो रहा है, अगर मेन स्विच से भी आप अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, एमसी बॉक्स है, वहाँ तक आप करंट को ले सकते हो। लेने के बाद घर को, हर घर को एमसी के जरिए करंट सप्लाई दे सकते हो। फिलहाल देखिए, दोबारा आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एलटी लाइन का जो लाइन है, यहाँ पे इनपुट हुआ है, यहाँ पे फेज और यहाँ पे न्यूट्रल। मीटर में हमेशा फेज लेफ्ट साइड में लगता है और राइट साइड से करंट इनपुट होता है। बीच दोनों वाला ये इनपुट है और ये आउटपुट है, यानी कि न्यूट्रल दोनों बीच में रहा। देखिए,
ये जो रेड वाला वायर है मीटर के आउटपुट है, ये मीटर का आउटपुट है यहाँ से आया, और इन चिप जो हमारा मेन स्विच है वहाँ उसका राइट साइड में लगा है। देखिए किस कहाँ पे लगा है, ध्यान देखिए दोस्तों। आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, देखिए इसके अंदर एक तांबे की वायर इसमें इसके अंदर कनेक्शन हुआ है, आपको उसी को मार्क करके उस टर्मिनल पे लगाना है, क्योंकि कुछ मेन स्विच में दोनों तरफ ही स्क्रू टाइट करने को दिया जाता है, फिलहाल ये इसमें एक ही स्क्रू टाइट करने को दिया गया है। आपको उसी तरह आपको जहाँ पे फेज पकाया गया है, ये जो फेज है ये यहाँ पे वहाँ तक शॉर्ट हुआ है, ये मेन स्विच ऑन करने से, हैंडल ऑन करने से ये जो है ये इसमें लगने के बाद यहाँ पे करंट सप्लाई जाएगा। उसके बाद ये जो किटकट है उसमें जो फ्यूल डाले होंगे उसको यहाँ पे लगाने से करंट यहाँ तक आएगा, यहाँ से आने से यहाँ पे जो आपका घर से वायर यहाँ पे इनपुट होगा, इस कटर का आउटपुट है फेज हमेशा नीचे ही लगता है। देखे यहाँ पे फेज मीटर की राइट साइड से आया, मीटर के राइट साइड से आया और मेन स्विच के राइट साइड में लगा, और जो न्यूट्रल है हमारा इस पॉइंट से आया और यहाँ पे लेफ्ट साइड में लगा है। यहाँ पे भी एक उसके अंदर दिया गया है, एक जम्फर पकाया गया है, शॉर्ट हुआ है एक वायर के जरिए यहाँ से यहाँ तक उसके अंदर है। तो इसके कनेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक स्विच बोर्ड लेके दिखाता हूँ कैसे इसको कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, और एक जरूरी बात आपको बताना चाहता हूँ, इस मेन स्विच के साइड में काफ़ी दोस्तों कमेंट किए होंगे किए हैं कि मेन स्विच में हमारा जो अर्थिंग है कहाँ पर लगेगा। देखिए अर्थिंग लगाने के लिए उसमें बटी में जो नट बोल्ट दिया गया है वहाँ पर आपको अर्थिंग लगाना है। देखिए यहाँ पे अर्थिंग का सिंबल भी दिया गया है, ये जो आपका दिख रहा है ये अर्थिंग लिखा हुआ है, ये अर्थिंग पॉइंट है, इसी बड्डी में लगा देने से आपका अर्थिंग मिल जाएगा। अर्थिंग बड्डी में लगाने से फायदा ये है, अगर ये देखिए यहाँ पे अगर ये जो वायर है फेज वायर है लाइफ का वायर है, अगर यहाँ पे शॉर्ट होकर इस बड्डी में लग गया तो आपको इस हैंडल को इस्तेमाल करते वक्त आपको शक लग सकता है। अगर आप इस बड्डी में इस तरह का अर्थिंग लगा दोगे, इसको अर्थिंग कैसे किया जाता है आपको तो दोस्तों पहले बता चुका हूँ, और चाहें तो आप वीडियो में मेरे चैनल पर देख सकते हो अर्थिंग को कैसे किया जाता है, उसके ऊपर वीडियो में फिलहाल अपलोड कर चुका हूँ। अर्थिंग लगाने से फायदा ये कि अगर भी बड़ी चट होगा तो अर्थिंग, अगर आपका प्रॉपर अर्थिंग होगा तो आपको करंट नहीं लगेगा, इस जब भी इस बड्डी के अगर इस बड्डी का बड्डी में करंट होगा तो आपको छूने में करंट लग सकता है, अगर ये अर्थिंग आप लगाए होंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो चलो दोस्तों उसको एक स्विच बोर्ड लेकर आपको दिखा देता हूँ उसको कैसे कनेक्शन करना है, मैं का स्विच बोर्ड। लेकिन यहाँ पे मैं दोनों ही स्विच में होल्डर लगाया हूँ, ये अलग है और ये अलग है। यहाँ का जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल हमेशा एक ही वायर कमन होता है, न्यूट्रल को इसी ही वायर से आप दूसरे बल्ब लगाने के लिए भी न्यूट्रल ले सकते हो, लेकिन आपका फेज जो वायर है ये जो फंड वाला वायर है इसको अलग लेना है, सिर्फ फेज वायर को अलग लेना है, बाकी न्यूट्रल को कमन करना है। लेकिन यहाँ पर जो होल्डर लगा दिया हूँ, आपको क्या करना है उसी स्विच बोर्ड में, स्विच बोर्ड कैसे फिटिंग किया जाता है उसको तो मैं आपको वीडियो दिखा चुका हूँ कैसे कहाँ पे फेज लगा कहाँ पे न्यूट्रल लगा आपको दिखा चुका हूँ। फिलहाल इसको बता के आपका वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ। देखिए ये जो दोनों वायर है ये स्विच बोर्ड को लाइन देने के सप्लाई देने के लिए है। यहाँ पर देखिए एक रेड वाला है और एक ब्लैक है, ये जो रेड ब्लैक है ये हमारा इसको फेज में हम इस्तेमाल करेंगे और ये जो ब्लैक है इसको न्यूट्रल में। चलिए अब इसको मेन स्विच में कनेक्शन करके देखते हैं। लेकिन ये जो राइट वाला, ये जो रेड वाला वायर है इसको इस रेड वाला यहाँ पे जो रेड वायर है उसी रेड वायर के ऊपर टर्मिनल पे यहाँ पे लाइन आएगा, मेन स्विच ऑन करने से, हैंडल ऑन करने से लाइन यहाँ आएगा, यहाँ से हैंडल यहाँ पे पकाने से ऑन करने से यहाँ तक आएगा। किटकट के ऊपर जो फ्यूज होता है इसको इस डालने से करंट यहाँ तक आएगा और यहाँ से स्विच बोर्ड को जाएगा, यानी आपके घर को जाएगा। चलिए इस रेड वाला वायर को इस रेड वाले के ऊपर टर्मिनल पर लगाते हैं। ये हमारा फेज यहाँ पे आउटपुट होगा और यहाँ से न्यूट्रल आउटपुट होगा, तो इसलिए न्यूट्रल को इस वायर इस पॉइंट में लगाना है जहाँ ये मीटर से जो ब्लैक वायर है ये न्यूट्रल है उसी के ऊपर से आपको न्यूट्रल डालना है। ये हमारा हो गया, ध्यान से देखिए। मैं दोस्तों पहले मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, फ्यूज जितना हो सके पतले वाला डालना, एक या दो, अगर घर में ज़्यादा लोड है तो तीन डाल सकते हो, वरना आपका घर में सिर्फ सिंपल बल्ब फैन का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप सिर्फ एक ही दो वायर का यहाँ पे फ्यूज डाल सकते हो, ज़्यादा डालोगे तो शॉर्ट सर्किट होने के
बस ये फ्यूज नहीं होगा। अगर कम पावर वाला कम मोटर में एक दो वायर डालोगे तो ये चर्चा ट्री होने से ये ट्रिप हो जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा, आपको दोबारा बनना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे इसको करंट देकर देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब देखिए यहाँ पे टेस्टर पे लाइट ऐसा होगा, ये टेस्टर चल रहा है। यहाँ पे फिर इनपुट हो चुका है फेज न्यूट्रल, और यहाँ से फेज न्यूट्रल आउटपुट हुआ है। और सप्लाई देख के देखते हैं। देखिए यहाँ पे मेन स्विच का जो हैंडल है ये अभी ऑफ है, जब तक इसको ऊपर नहीं ढक लेंगे ये लाइन सप्लाई नहीं होगा। तो चलिए पहले इसको कट आउट उसमें जोड़ते हैं। ये कटर फिटिंग हो गया। देखिए जब तक हम इस हैंडल को ऑन नहीं करेंगे ये करंट सप्लाई नहीं होगा। फिर इसको ऑन करते हैं, यहाँ पे करंट ऑन हो चुका है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो स्विच बोर्ड है, मान लीजिए आपका घर का बोर्ड है, ये घर में जो बोर्ड है यहाँ पे आपका करंट सप्लाई चला गया है। इसको आप करने से इस हैंडल जो है, इस हैंडल को आप करने से करंट सप्लाई बंद हो जाएगा। किसी भी इमरजेंसी टाइप पे आप इसी हैंडल को बंद कर सकते हो। ऑन करने से यहाँ पे करंट आ चुका है। देखिए यहाँ पे कट में भी करंट आ चुका है। और यहाँ पे हमेशा लेफ्ट राइट साइड में प्लग के राइट साइड में हमेशा पेज दिया जाता है। फिर हम दो बल्ब के लिए आपको दिखाऊंगा। देखिए एक पर ये स्विच में बल्ब जल रहा है और ये स्विच में भी बल्ब जल रहा है। यहाँ पे आपका करंट कनेक्शन हो गया है।